रूस ने यूक्रेन में कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रूस के इन हमलों को यूक्रेन द्वारा कथित तौर पर इस सप्ताहांत काला सागर में रूसी बेड़े पर किए गए ड्रोन हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन ने इन हमलों के आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के कई हिस्सों में तड़के सुबह धमाकों की तेज आवाजें सुनाई गई। सुबह सुबह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे कई लोगों को आपातकालीन विभाग की ओर से मिसाइल हमलों के बारे में चेतावनी वाले संदेश मिले। शहर में इस दौरान करीब 3 घंटे तक हवाई हमलों के खतरे के सायरन बजते रहे। वहीं कीव के मेयर वितोली कलिटचोको ने बताया कि हमलों के कारण यूक्रेन की राजधानी के एक हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। कलिटचोको ने कहा कि शहर के करीब 3.5 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्र को ठीक करने के लिए स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने जापोरिज्या में भी हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति ठप होने की आशंका जताई है। कीव के दक्षिण पूर्व में चकारसी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए गए। यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में भी विस्फोट होने की सूचना मिली थी।